तो हेलो एवरीवन, जोहार एंड हैप्पी संडे रहतब। तो आज जो संडे हम आ जाए करम टोली में आ ही खिलाड़ी मने जो झारखंड टीम से रहे मगर मैच चाहते रहो उनका। तो आज उनके स्वागत के लिए आ रही रांची स्टेशन जा रही, उनके वीडियो नहीं दिखा पाली पर उमन आए हैं। तो अभी जाइला टाइगर घुमाए मन के खिलाड़ी मने हम 4-5 जन है और एक गोलकीपर भाई हम इनका हम तो लेगा थी घुमाए। चला आगे वीडियो बना रहा हूँ। हमें पहुँच जाइए अभी टाइगर हिल पहुँच जाइए, अभी चंद्र में घुसबे अभी आगे में। तो चला हम इनका पीछे पीछे आवा ठीक ना। गेट है कहो इनका टाइगर हिल का पीछे से, क्योंकि बिहान बिहान जो हो ना मेन गेट बंद रहूला तभी पीछे गेट से घुसे लगल ही। और हमारे टीम मने हैं सब घुसा था अभी झुंझा इलाका में, तभी ट्रैकिंग कर दी अभी पहाड़ में चढ़ा दी अभी, बहुत मजा आवा था। अरे बाबा हमी के टीम मने हमारे बहुत टीम मन खिलाड़ी मने का है, दो फुटबॉल खिलाड़ी मने उधर चढ़ा था इधर एगो मैया हमारे टीम मने अभी देखा देना आधा कोई चढ़े नहीं सका था पहाड़ इतना ऊंचा हो ना तो चढ़े नहीं सकता है। तो ये चढ़े लगा ली बहुत हैवी पहाड़ हो सीढ़ी नहीं हो तो ये चढ़ा थी मत चलो। हाँ से बहुत मजा है यहाँ पहाड़ पत्थर पत्थर सब दिखा दो किनारे 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 और नीचे का सीन भाग तुम देख सकला। तो चलो टीम हमारा मने अभी जंगल एरिया में घुस जाए दे सकला ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ में जंगल में करे। तो ये जो फर्स्ट गेट में हम घुस गई पूरा हो चलो आगे कर जाओ। अरे पहला पड़ाव पार कर ले ली बाबा हमीन तो फिर चला आगे बढ़ी ला। अभी ये पहले शूटिंग होता रहूँ नागपुरी पीछे भी शूटिंग होता रहूँ, इवन में बहुत सा एल्बम मन भी बनाऊँ तभी चली ला। और चला आगे हमारे टीम मैंने चढ़ा था बिहान बिहान आ जाए हैं बहुत मजा आवा दो। कैसा लग रहा है? बहुत मजा लग रहा है। तो इन पहाड़ का जो टाइगर हिल है उगर कुछ दूरी में पहुंच जाए आधा दूरी और यहाँ पेड़ में कुछ मिल जाओ का पेड़ करे फलसा पेड़ कहूँ मतलब कैसे लगू खाए ले तो यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा भी है खाए के लायक कुछ कुछ खाए वाला मैं तोड़ लो हम इनका। अभी और सीढ़ी है अभी जो ऊपर जो गुंबद बनल है वहाँ तक अभी पहुँचे ले बहुत सीढ़ी बचल हो अभी और थोड़ा सा चढ़ी ला थोड़ा देर में पहुँच जा भाई तो सीढ़ी देख सकला कितना खूबसूरत दिखा था जो सीढ़ी का जो नज़ारा होना भाई वह मैंने बहुत खूबसूरत हो। तो फाइनली दोस्त मैंने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थकते थकते अभी पहुँच गए टाइगर हिल। और टाइगर हिल में तो जानबे करेला यहाँ रविंद्रनाथ टाइगर जो यहाँ लिखा रहो अपन जो भी कुछ अपन जीवनी और का लिखा रहो इतिहास लिखा रहो हमको उतना नहीं मालूम हो फिर भी बार यहीं बैठ के टाइगर हिल और उकर जो भाई रहो वहाँ आके बैठा रहो और लिखा रहो यहाँ। तो यहाँ आदमी मैंने सब कोई आवे ना मॉर्निंग वॉक करे और तूने कभी आवा तो हमारे दो को खिलाड़ी बने मैंने आ जाए हैं। तो कहाँ से आया जाए बताओ कहाँ से आया बताओ गुमला और इलोहरदगा से आया हो तो मैंने झारखंड टीम है 14 वाला मैंने 14 साल वाला खिलाड़ी मैंने क्या। तो फाइनली हम इस चोटी में चढ़ गई तू देख सकला अधिक चोटी है टाइगर हिल कर कितना खूबसूरत नज़ारा हो। और चला अभी तू इनके और दिखा थी नीचे तेने वाह क्या खूबसूरत नज़ारा हो ये कर जो नीचे रांची शहर दिखा था तू देख सकला कितना खूबसूरत नज़ारा हो पूरा यहाँ से रांची दिखूला। पर अभी जो फोग हो ना
फॉग से भी बहुत खूबसूरत दिखा था और फॉग होए होए चलते यहाँ का जो नज़ारा हो ना नहीं दिख पाओ था तू इनके नीचे। और जब धूप रहूल ना पूरा मौसम साफ रहूला तो बहुत ही खूबसूरत दिखूला रांची पूरा जितना भी पूरा रांची का दूर दूर तक पूरा नज़ारा दिखूला। और ये फॉग हो फॉग से भी बहुत अच्छा दिखा था इन दोनों का भी आवा और घूमा हिया ठीक ना। तो तुम मिल सकल है भाई हम इनका रखा जो बेस्ट गोलकीपर भी रह चुका हूँ गुमला देने से खेला रहा हूँ गुमला का। तो भाई से पूछी रहा थोड़ा जाने चाहिए कि तब मैच खेल के वहाँ कैसा लगा। मैच खेल के तो बहुत अच्छा लगा, नए नए जगह गए थे, ग्राउंड बहुत अच्छा था, ग्राउंड बहुत अच्छा था। हम लोग जो रूम मिला था वो भी बहुत अच्छा रूम था। और तब कौन कौन खिलाड़ी से सामना करना पड़ा मतलब कौन कौन टीम से। हम लोग खेले पंजाब और अरुणाचल और उड़ीसा गुजरात से। और कितना जीत मिली। दो जीत मिली उसमें से दो मैच में से एक मैच में 11-0 और सेकेंड मैच में 3-0 3-0। कितना मैच हारे। एक मैच हारे 6-0 से। तो आज ही आप रांची आए। हाँ आज ही सुबह में। तो कोलकाता कोलकाता में कितना दिन रहे आप। कोलकाता में रहेंगे 4 दिन। चलिए बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मजा है। तो और आगे क्या करना है। आगे अभी अपना लाइफ देख रहे हैं अभी और अभी मैच है कि ना कि और ऊपर लेवल में खेल सके। तो अभी और गुमला जाना है कि नहीं जाना है। अभी और जाना है गुमला फिर गुमला से फिर और जाना है कभी ग्रीडी। और ग्रीडी जाना है वहाँ मैच होगा। मैच है क्या। हाँ मैच है। तो चला हमारे भाई मन से मिल ले ली बहुत मजा आ लो। तो अभी थोड़ा सा और बाकी टीम से भी जो खिलाड़ी मन हमारा है मन से भी मिलाईला ठीक ना। तो हर भाई मन से और भी 3 जन आए हैं तो उनमें से भी थोड़ा सा हल्का जानकारी ले लीला है ना। चलो तो इंट्रोडक्शन बता दो अपना क्या नाम है। मेरा नाम सुजीत मुर्मू है। मैं गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं गुमला सेंटर में रहता हूँ। हाँ और कहाँ से खेलते थे जी। मैं सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड से। अब चलिए आप भी बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण उरांव है। हम लोहरदगा का निवासी पर गुमला पढ़ते हैं वहीं से खेले गए घर के टीम से। क्या से खेलते हैं मिडफील्ड। और ये बता दीजिए। मेरा नाम श्रवण उरांव है। मैं लोहरदगा में मैं लोहरदगा सेंटर में रहता हूँ। टीम से खेलने गया था मैं मिडफील्ड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों कि मतलब जो जो रांची गुमला से गए थे मतलब गुमला से गए थे झारखंड गुमला से और यहाँ कलकत्ता में इन लोग का सामना हुआ। कितना कितना टीम था कौन कौन मतलब कौन कौन टीम से खेले आप लोग। अरुणाचल प्रदेश पंजाब गुजरात। और कैसा लगा वहाँ का मैच। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा था और रूम से भी हम लोग को अच्छा मिला था। खाने के लिए भी अच्छा लाइट मिल रहा था। हाँ और वहाँ के सर लोग कैसे थे। सर सब अच्छे थे बहुत अच्छे थे। चलिए और आगे क्या करना है। आगे और मेहनत करके और बड़ा खेलना है। भले मैच हार गए अभी तो कुछ मैच हार गए और आगे नहीं पहुँच पाए फाइनल नहीं जीत पाए पर आगे मतलब ये लोग खेलेंगे और अच्छा करेंगे इसे इसे बेहतर करने का और कामना भी करते हैं ठीक है ना। चलिए मेरा टीम से मतलब आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना रहेगा कि आगे भी अच्छा मैच जीते और नेशनल टीम में पहुंच जाए और अपने देश के लिए खेले। चलिए ठीक है। तो इनके टाइगर हिल के बारे में थोड़ा सा पता चाहिए। जो टाइगर हिल का जो पत्थर बना था ना मतलब पत्थर जो खड़ा हुआ लो पत्थर से बना लो जो पिलर दिखा था इनके ये पिलर कोई सीमेंट वीमेंट से नहीं बना था पत्थर है को और जुड़ाई भी हुआ हो ना। तो पहले कहा था कि ये जो जॉइंट जहाँ आई हो ये जो जॉइंट कह रहा है जुड़ाई उड़ाई कह रहा है तो चूना और पत्थर का मिश्रण से बनाता रहा जो सीमेंट बनाता रहा होकर से सीमेंट जैसा जो चिपकाया ले बनकर वह बन जाता रहा ऊपर से बनाया रहे मैंने तो टाइगर हिल बनवाया रहे के टाइगर हिल नहीं क्या कहना क्या टाइगर रविंद्रनाथ टाइगर वह बनवाया रहा हूँ। चलो और बार दिखा दे रहे थे इनके पूरा रांची का थोड़ा सीन और यहाँ का जो देख सकल बहुत खूबसूरत हो नज़ारा। तू इन देख सकल है जो चोटी हो टाइगर हिल कर
ये जो गुम्बद बना लाऊँ, जो चोटी है ना, तो यह चोटी से ही मतलब जो करके रखा हो रहा, जो रांची में गुजरे तो इनको पता होना कहाँ कहाँ गुजरू रहा है झारखंड में, तो यह जैसे गुजरत रहो और गुजरू रहा मतलब अभी भी गुजरू रहा कर रेखा, क्योंकि दिक्कत नहीं हो कर रेखा गुजरा पर मतलब यह जैसे जो छुट्टी होना यहीं से गुजरू रहा पार हो ला कहाँ के चल दे बोला। तो पहले मतलब जो रविंद्र नाथ टैगोर जो रहो तो ये जो एक चोटी के बनवाया रहो कर्क रेखा कर जो जहाँ से गुजरू ला वहाँ ध्यान केंद्रित करे ले अच्छा रहो ला ए वास्ते ला बनाल जाए रहो गुबंद। और ये जो गुबंद बनाया रहो ना यहाँ बैठ के ही मतलब ध्यान केंद्रित करते रहो, अब कुछ इतिहास लिखत रहो और कुछ कुछ काल देता भी कुछ कुछ जो जितना भी कुछ लेख लिखा रहो ना तो यहाँ लिखा रहो बैठ के। एगो यहाँ से एगो पहाड़ हो, एगो छोटा सा पत्थर नहीं बड़ा सा पत्थर हो, छोटा नहीं बहुत बड़ा पत्थर, तो वहाँ चढ़ी ला भी सब कोई, हमारा टीमन भी चढ़ा था तो चला अभी चढ़ी देंगे दिखावो है ना। तो ये जो है हम एक रांची का हेवन हिल भी कहो, जो हेवन हिल है ना तुम देख लाली में वैसे जैसे उसी प्रकार से हो ये भी, पर इधर वो जंगल जंगल दिखूला और यहाँ हम जो अगल बगल में घर उर बना लो रांची शहर दिखूला इधर वहाँ तो जंगल जंगल दिखूला तुम देख सकला टैगोर हिल कर जो गुबंद हो तुम देखा ना कितना खूबसूरत भी दिखा तो गुबंद बहुत खूबसूरत। यहाँ कर्ज रेखा गुजरू रहा ना इसी कारण यहाँ अगर जो अगर तो यहाँ आबे तो बहुत ही सुकून मिल रहा और दिमाग में भी बहुत ठंडक और बहुत खुशी लग रहा, और जो इधर जो वातावरण हमें यहाँ कर बहुत ही मनमोहक हो और बहुत ही खूबसूरत माहौल भी बन जाए। और कैसा लगा था सोनू? बहुत अच्छा लगा टाइगर है। कैसा लगा यहाँ का मौसम माहौल? माहौल तो एकदम सुकून ओहो गॉड वाला एकदम, तोहिन भी आवा घुमा देखा आगे दरवाजा खुला नहीं मिलता हूँ पीछे दरवाजे से घुसक पड़ा तो इनके भी बहुत अच्छा लगता लेकिन यहाँ खूबसूरती कर तो के यहाँ खाली चढ़वे और लगता हाँ झारखंड झारखंड एक झारखंड का टूरिस्ट प्लेस में एक हूँ और चाहे तो हेवन हिल हो ना पत्थर तुम देख सकला रंगीन रंगीन दिखा दो पत्थर और यहाँ को सब देने को पत्थरे पत्थर हो और यहाँ को सखवा पेड़ हो और बीच में सरना झरना बेड़ा दिन दिखा दो दिखा दो ना एक तो पेट्रोल पंप में तेल भरा है बहुत खूबसूरत हो ये पहाड़ और हमारी टीम मैंने बहुत रिलैक्स होता है झारखंड टीम मैंने अंडर 14 कर तो हमें अभी अंदर घुसी लाएगा गुफा तुम्हें दिखा चाहिए चला हमारे सामा पीछे पीछे और गुफा दिखा पाए दिखा तुम के गुफा चला आवा ये गुफा हो चला अंदर घुसाई ले तुम के देखा कैसे दिखूला गुफा और यहाँ लिखा लो कि यहाँ ना बैठे 500 रुपये फाइन लगते और 1000 रुपये भी -1000 रुपया तो गुफा कर मुँह है कहूँ। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे अब जाइए हमें नीचे चला हम सब तो आवा पीछे पीछे घूमते फिरते बहुत मज़ा आ लो देखा रहे पत्थरे पत्थर को दिखा दो जरे तने को पत्थरे पत्थर दिखूल पूरे पत्थरे पत्थर पहाड़ पहाड़ बड़का बड़का पहाड़ हो छबा बने सब घूम ले लगे कैसा लग रहा छबा बने हैं बहुत मज़ा आ लो बहुत मज़ा थक भी गया यहाँ पूरा घास भरा लो खूबसूरत घास और नज़ारा भी बहुत अच्छा हो ये घास से सोनू मैं जंगल जंगल घूमता है क्या सोनू बहुत मज़ा आता नहीं रांची का कहूँ रांची का एक लगता है छुटका जंगल छुटका जंगल है कहूँ। तो टाइगर हिल में एक नया चीज़ भी मिल गया बर्गर का जड़ में झूला बना लो
तमे झूला झूली ला तो मैं बैठ जाओ अभी झूला में, अभी हमें बैठबो। देखा तो तीन जड़ जड़ का जब बना लो झूला, बहुत खूबसूरत, वाह क्या मजा हो। चलो हम भी चढ़ जाए अभी। वाह ये झूला तो तुम्हें कभी आवा अगर यहाँ तो ये झूला में झूल के जावा, बहुत ही एकदम सुकून मिलो ना, बहुत ही मजा आओला, ठीक ना। तुम्हें कभी आवा पूरे जड़े से है ना, और क्या जड़ है और पूरा झूला बन गया है जड़ से है? ये को बरगद गाछ कभी भी आवा तुम्हें झूला से झूल सका ला चांस से निकल दो निकलना वाला झूला नहीं है इसमें, अपने से चलना है झूला देखा था झूला झूला दिया, बहुत मजा। वाह क्या सीन है, ये जड़ का जो झूला हो ना बहुत खूबसूरत था दोस्तों, मैंने बहुत मजा आवा था, तीनों कभी आवा झूलवा ठीक है। हाँ तो गाइस मैंने अब हम घूम ले जो टाइगर है तुम्हें ऐसा कलर दिखाता हूँ घूम ले और बहुत ही मज़ा आ रहा हूँ, तो ठीक हो अगर वीडियो में अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर देवा, और कैसा लग रहा हो कहाँ लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट कर देवा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में मिले ना तुमके, ठीक हो, बाय बाय, ठीक हो, बाय बाय।